गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप जानते हैं कि देश का, इवन पूरे दुनिया का माहौल पूरा बिगड़ चुका है, तो वी हैव नथिंग गुड टू डू। वी आर इन सेल्फ क्वारंटाइन, एंड कल जनता कर्फ्यू था विच वॉज रियली लाइक सक्सेसफुली डन। एंड सब जगह जब विजुअल्स देखे, इट वॉज रियली अमेजिंग कि पीपल हैव फॉलोड दिस। एंड ऐसे ही करते रहे तो हम जल्द से जल्द कोरोना वायरस को मिटा सकते हैं। तो आज का वीडियो ऐसे ही बना रहा हूँ बिकॉज आज कहीं जाना प्लान है नहीं। घर पे रहो, वीडियो बनाने की चूल बड़ी मचती है। तो उसके पहले एक सेकेंड, मैं क्या कह रहा था कि कहीं बाहर जाना कैंसिल हो गया, मेरे पीछे देख रहा पूरा मेस्टअप है। तो आज सोचा कि पूरा घर को साफ कर दूँ। अगर मेरा डैड आ गया ऐसा घर मेरा देखा तो मुझे पंबू पड़ने वाली है। तो थोड़ा कॉफ़ी पीते पीते बात करते। कड़क, ओके। तो एक सेकेंड, तो कुछ बातें करनी है कि क्या हो रहा है यार, मतलब देश का हाल, पूरा दुनिया का हाल कैसा अजीब सा हो चुका है। लाइक वी नेवर इवन थॉट, लाइक नेवर हैड इमेजिन कि ऐसा कुछ, इतना भयंकर कुछ होने वाला है। एंड जो इटली का जो केस हो रहा है, इट इज़ वेरी वेरी डिप्रेसिंग, मतलब देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड इंडिया में भी बढ़ते जा रहा है केस। लाइक आज सुबह मैंने न्यूज़ में देखा कि 400 केसेस हो चुके हैं इंडिया में। सो इट्स वेरी 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 डिप्रेसिंग एंड वेरी वेरी शॉकिंग। बट क्या करें, अभी जो है वी कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट इट। बट द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज़ कि हम घर पे बैठे रहे। मैंने पिछला वीडियो अपने देखा नहीं होगा तो ज़रूर देख लीजिए। आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ अबाउट कोरोना वायरस, तो इसमें मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। ये वीडियो सिर्फ ये है कि वॉट टू डू नाउ। तो मेरा प्लान बन चुका था भूटान जाने के लिए। आई वाज रियली एक्साइटेड टू गो टू भूटान बिकॉज वो भी बाइक ट्रिप होता, सिलीगुड़ी टू भूटान, वो प्लान था। लेकिन जब फिर बाद में ये शुरू हुआ, तब चाइना में शुरू हुआ, तो मेरे को लगा कि कुछ तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। सो आई मेड अ प्लान टू गो टू लद्दाख अगेन। बट अगेन ये शो चालू हो गया एंड देन लद्दाख ऑब्वियसली कैंसिल होने की कगार पे है, विच आई कैन नॉट इवेंचुअली गो टू लद्दाख नाउ। बट ये सोचा कि नो, जिन्होंने काफ़ी लोगों ने लद्दाख का ब्लॉग देखा ही नहीं है, विच इज़ लाइक आई डोंट नो व्हाई, काफ़ी लोगों ने लद्दाख का ब्लॉग देखा ही नहीं है, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन थी ना मुझे उसका 20% भी पूरा नहीं हुआ। सो ठीक है, कोई नहीं, कोई ब्लॉग चल जाते हैं, कोई ब्लॉग नहीं चल जाते, दैट इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट अभी जब ब्रेक लिया तो जिन्होंने देखा नहीं है उनको एक ग्लिम्स आता होगा। हाँ जी, तो मेरा लद्दाख का जो प्लान था ना, सॉरी वो कचरा वो काफ़ी हो चुका है घर में, पूरा मेस्टअप है घर अभी। बट आज घर पे है तो अभी वीडियो बनाने के बाद पूरा साफ सफाई चालू करेंगे। तो लद्दाख का जो मेरा प्लान था, इट वाज लाइक आई वुड से इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ऑफ माय लाइफ। लाइक आई डोंट नो कैसे एक्सप्रेस करूँ इसे, बट थोड़ा आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ। ये देखिए, मैं पहले पहुंचा कश्मीर, कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए निकला मैं। बाइक मेरी ख़राब हो गई, बाइक ख़राब हो गई फिर से आगे, फिर सोचा कि कैंसिल ही करते तो राइड। बट देन अगेन दिस गाय मोटिवेटेड मी। मेरा जो मतलब ये देखिए, हमारा मेहमान आया है, कोको आया है। तो फिर बाद में वो जो बाइक का था, आज मेरे घर वालों ने बोला कि इतना दूर जा चुका है तो यू नो यू गो कहे। फिर मैं गया कारगिल, पहुँचा काफ़ी लेट नाइट पहुँचा कारगिल, कारगिल से फिर लद्दाख गया। लद्दाख जाके मेरी वाट लग गई बिकॉज वहाँ जाके मुझे हो गया AMS। आई हैड प्लान्स टू गो टू पैंगोंग एंड नुब्रा वैली बट वो भी कैंसिल हो गया। सो आई कुड ओनली गो टू पैंगोंग लेक, बिकॉज पैंगोंग लेक मुझे जरूर देखना था, लाइक मुझे वो मिस नहीं करना था, इसलिए पैंगोंग जाके आया। उसके बाद फिर बॉम्बे रिटर्न आ गया। तो बट दिखने में सिंपल लगता है, बोलने में सिंपल लगता है, अगर आप देखोगे वीडियो को तो इट इज़ लाइक क्या बोलूँ मैं आपको यार, मतलब कौन सी शब्द बोलूँ, मतलब इतना
देख रहे हो ना कि इतना अमेजिंग राइड था ना वो, कि क्या बोलूँ मैं आपको, लाइक तो राइड पूरा हो गया एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो 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 ग्लैड कि मैंने कर दिया. एंड मैंने लिटरली सोलो राइड किया ऊपर से, तो वो भी एक फियर था, मुझे नहीं, मेरे घर वालों को, मेरे जितने भी चाहने वाले उनको फियर था, लेकिन मुझे नहीं था. बट अगर आपको प्लान करना है, मैं तो कहूँगा कि अभी फिलहाल प्लान कुछ भी मत कीजिए, चुपचाप घर पे बैठो आराम से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठो. एक सेकेंड, लो गुड बॉय. हाँ तो घर पे बैठो चुपचाप, घर की सफाई करो, बेस्ट थिंग वो है. एंड अपने मॉम डैड को हेल्प करो, अपने घर वालों को हेल्प करो सफाई करने में, खाना बनाना सीखो, वही सबसे बड़ी बात है जो कि आज मैं करने वाला हूँ. ये कि मैं आगे क्या करूँगा, देखो अभी सिचुएशन ऐसा है कि ना जिम चालू है ना कुछ चालू है, एंड कहीं भी बाहर जाना एडवाइजेबल है नहीं मेरा. अगर आप देखोगे तो मैंने एक्चुअली सोचा था कि यू नो भूटान जाने से पहले थोड़ा फिजिकली फिट हो जाऊँ. पिछले कुछ महीनों से मैं अनफिट हो चुका हूँ, लाइक खाते जा रहा हूँ एक बुक्कड़ की तरह खाते जा रहा हूँ. एंड देन राइट नाउ आई एम लाइक सुपर 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 मोटा, होते ना मोटा हो चुका हूँ मैं. सो अभी मेरा प्लान था कि यू नो अभी जिम चालू करे, डाइट चालू करे और थोड़ा सा थोड़ा बैक टू शेप आ जाए, उसके जिम ज्वाइन करूँ. बट देखो ये हाल हो गया. एंड देन अभी पता नहीं क्या हो गया मेरे को, घर पे बैठे बैठे ना कुछ भी खाने का दिल कर रहा है, चटर पटर खा रहा हूँ, जो कि मैं आई डोंट नो मैंने कितने सालों में खाया नहीं है. बट अभी मैं वो सिर्फ सारी चीज़ें खा रहा हूँ जो मैंने इतने सालों में खाया नहीं है, तो वो भी थोड़ा दिमाग की हो रही है. बट कोई बात नहीं, अभी घर पे बैठे हैं, अभी सब लाइन पे आ जाएगा, सफाई वफाई खाना वाना करेंगे, सब करेंगे. एक सेकेंड में आता हूँ, क्या कर रहा है पता नहीं मुझे. ये देखो इसको ना, शैतान. एक सेकंड ना खाना, एक सेकंड इस भाई साहब को जरा खाना दे देता हूँ मैं, वरना ये नाटक करेगा. तो खाने का टाइम हुआ नहीं, फिर कुछ खाना. तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरा कंडीशन, पेट काफी बाहर आ चुका है मेरा. तो इस कंडीशन से बचने के लिए मैंने सोचा सब चालू करूंगा. बट देन अगेन एज यू नो गिवन सिचुएशन इज सच की आई रियली कैन नॉट डू एनीथिंग. डाइट कर सकता हूँ, बट अभी पता है कि मेरा ऐसा हाल हो गया कि जिम नहीं है तो फिर डाइट भी करने का दिल नहीं करता है मुझे. तो बट कोई नहीं अभी सब शुरू करूंगा, डाइट शुरू करूंगा, घर पे थोड़ा वर्कआउट करूंगा. एंड अगर आप लोगों को भी ऐसे कुछ हो रहा है तो मेक श्योर कि एटलीस्ट डाइट चालू करें, बिकॉज डाइट इज़ ऑब्वियसली 70%, तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं भी अभी कल से शुरू करूँगा. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो जल्द से जल्द फॉलो कीजिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज जैसे ही कोरोना वायरस का जो भी चीज़ है सब हट जाएगा तब से अपना ट्रैवलिंग शुरू होने वाला है. एंड देर ध्यान मैंने एक्चुअली मैं कल बैठ के पूरे प्लान बनाएंगे, जैसे कोरोना वायरस खत्म हो जाए कहाँ कहाँ जाएंगे. एंड यकीन मानो ऐसे ऐसी जगह प्लान किए मैंने कि आप वीडियो देख के ना खलास. तो यही अपडेट देना था कि अभी थोड़ा सब ट्रैवलिंग सब बंद है. अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए, काफ़ी सारे आई पे तकरीबन 70-80 वीडियोज़ हैं. सो कम नहीं है यार, घर पे बैठे हो नेटफ्लिक्स देख रहे हो, साथ में ये भी देख रहे हो. फ्रॉम नाउ ऐसे फ्रॉम गोको एंड विल कैच यू लेटर, जैसे ही कोरोना वायरस निकल जाए. प्रे करो जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, बिकॉज इकोनॉमी की बैंड बच चुकी है, हमारे काम की बैंड बच चुकी है, काम करने को है नहीं कुछ. सो प्रे फॉर एवरीबडी, सो प्रे में बहुत ताकत होती है. तो या एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी.